सोलो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं टीवीएस स्टाइगर का भेलाइसिल जेनुइन माल है। अब इसको थोड़ा सा खोल के डालेंगे यहाँ पे हेड में, यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे वो खुल गया। थोड़ा सा पूरे मोबिल में भिजाएंगे इसको, भिजा कर तब डालेंगे। यहाँ पे वाशर रहा इसका, दो वाशर, एक कार्बोरेटर साइड, एक साइलेंसर साइड। इसको ऐसे उल्टा डालना है, जो पिले होता है वो नीचे भाग रहता है और जो उठा हुआ रहता है वो ऊपर। अब इसमें हम लोग भेलाइसिल डालेंगे, डबल स्पिन हो रहा होता है टीवीएस स्टाइगर में। यहाँ पे भेलाइसिल प्रोसेस हो रहा है, बैठ गया। अब एक उधर का वो भी बैठ गया, थोड़ा सा जो लगा कर चेक करते हैं, हो गया। सो हेलो गाइस, आप देख सकते हैं भेल फिटिंग। और थोड़ा सा मोबिल में भिजा के भिगो के अब इसको हेड में डालेंगे। गाइड के पास छोटा वाला, बड़ा वाला, और छोटा वाला है, अब बड़ा वाला डालेंगे। थोड़ा सा मोबिल में भिजा कर यहाँ पे आराम से बैठ गया। अब इसको थोड़ा सा कपड़ा से पोंछ देंगे, तब इसमें लॉक लगेगा। हो गया। अब इसको हमें स्प्रिंग डालना है, दो स्प्रिंग होता है, डबल स्प्रिंग इसमें रहता है। जो दबा हुआ है वो नीचे का साइड रहेगा, जो थोड़ा सा उठा हुआ है वो ऊपर का साइड रहेगा। इसे डाल के इसमें लगाएंगे और यहाँ पे इसका लॉक वाला लगा रहे हैं। फिर दूसरा वाला भी स्प्रिंग डाल रहे हैं, दबा वाला नीचे और जो उठा है वो ऊपर रहेगा। हो गया। लॉक वाला कैप इसमें अब दो लॉक डालेंगे, कटा हुआ लॉक होता है। एक एक लॉक लग गया, अब दूसरा वाला लगाने जा रहे हैं। ये दूसरा वाला भी लग गया। अब इसमें थोड़ा सा मोबिल भिगो के इसमें लगाएंगे। अब हमारे मिस्त्री भाई साहब इसमें बैठाएंगे लॉक, और जो लगा के हाथ से बैठ जाता है, कोई कोई नहीं बैठता है, बैठ गया। अब दूसरा वाला, दूसरा वाला चेक करेंगे। अब ये भी कैप हो गया ऊपर का, और इसके में लॉक, दो लॉक लगा के। और यहाँ पे मिस्त्री भाई थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे तो हो जाएगा, बैठ गया दोनों। अब इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। लो भाई सोई, अब थोड़ा सा इसको से ठोक के देखेंगे लॉक बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठ गया है। अब इसका काम ख़त्म हो गया, हेड काम ओके। अब इसमें हम लोग अब सिलेंडर का काम करेंगे। यहाँ पे रहा पिस्टन, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड बॉडी था। यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड टीवीएस स्टाइगर 125 cc। इसमें कंपनी द्वारा ही आता है फिटिंग वॉलिंग। यहाँ पे पिस्टन। सो हेलो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड साइज पिस्टन है, STD स्टैंडर्ड। यहाँ पे रिंग भी पूरा कंपनी द्वारा मिला के आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब रिंग फिनिश, सब थोड़ा सा हम लोग चेक चाप कर लेंगे और लगाएंगे। अब इसको थोड़ा सा पेट्रोल से वॉक्स करेंगे। पेट्रोल वॉशिंग हो रहा है, हो गया। अब इसको थोड़ा सा मोबिल लगा कर तो काम होगा। थोड़ा सा हमारे मिस्त्री साहब भाई बना रहे हैं मोबिल भिगो के, हो रहा है। अब इसमें गैप चेक करेंगे कहाँ कहाँ। इसका पिस्टन 25 साइज का नहीं मिल रहा था, इसलिए इसी को थोड़ा सा पॉलिश करा के स्टैंडर्ड पिस्टन, स्टैंडर्ड सिलेंडर, फर्स्ट बार हो रहा है इंजन स्टैंडर्ड। अब इसी में फिटिंग कर देंगे, धुआं नहीं देगा। इनके गैप चेक किए थे, बहुत अच्छा था। हम देख सकते हैं सिलेंडर में भी थोड़ा सा भी दाग नहीं लगा था, इसलिए सोचे थे स्टैंडर्ड ही डाल दें, नहीं धुआं देगा। उसको रिंग का थोड़ा सा आराम आराम से दाब के हाथ से प्रेस करके डाल देंगे, हो जाएगा। अब ये साइड में पिस्टन बैठ गया, नीचे चल गया। अब इसको
चेक करेंगे कितना अच्छा से। ठीक है, पिस्टन सीधा है अभी। सो हेलो गाइस, अब गजल पिन ओपन कर दिए। अब गजल पिन पिस्टन में चेक करेंगे, पिस्टन में गजल पिन, पिस्टन पिन इसको बोलते हैं, गजल पिन भी बोलते हैं। लग रहा है हो जाएगा। हाँ रुक गया। हो जाएगा तो वहाँ पे गैस्ट्रिक लगाएंगे, सिलेंडर गैस्ट्रिक, तब इसमें हो गया। हेड का भी काम हो गया, सिलेंडर के भी काम हो गया। अब यहाँ पे रहा इसका पैकिंग, हाफ पैकिंग नहीं मिला इसलिए हम लोग फुल ही ले आए। बहुत महंगा है इसका पैकिंग यार, 650 रुपये। पैकिंग का हम लोग खोल रहे हैं, इसमें सिलेंडर के गैस निकालेंगे। सिलेंडर गैस नीचे वाला सिलेंडर दोनों निकाल लिए। सिलेंडर गैस यही है। चलो गाइस, यहाँ पे दो डाउस रहता है। डाउस का मतलब ये हो गया बूस, इसको इंग्लिश में डाउस बोलते हैं, हमारे हिंदी में इसको बूस बोलते हैं। यहाँ पे दो बूस के लगा दिए, यहाँ पर एक लगेगा, ये लग गया, आराम से बैठ जाता है, थोड़ा सा दबाएंगे बैठ जाएगा। ये हो गया हमारा क्रीम कलर, क्रीम कलर अच्छा था इसलिए हम लोग इसमें फुल इंजन ओपन नहीं किए। और इसमें इसका पैकिंग डालेंगे, पूरा अच्छा से क्लीन किए हैं, क्लीन हो गया है। अब इसमें पैकिंग डाल के सिलेंडर को बैठा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा सा क्लीन हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मिस्त्री भाई साहब पैकिंग डाल रहे हैं इसका, कैसे डाल रहे हैं इसका क्लीन कर के, थोड़ा सा इधर घुसका के दोनों पिन में बॉक्स में थोड़ा सा मिला कर, भाई साहब फाड़िएगा मत, लगता है हो गया। हाँ देख सकते हैं पूरा परफेक्ट बैठ गया है। अब इसमें सिलेंडर की डालेंगे ब्लॉक, थोड़ा सा इसमें मोबिल क्रीम कलर में डाल देते हैं, थोड़ा सा अंदर तक मोबिल चल जाएगा, अच्छा रहेगा। हो गया, अंदर मोबिल आ गया है। सो कैसे देख सकते हैं आप सिलेंडर की हम डालने जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे ठोक दीजिए हल्का, ठोको नहीं मिला है, इधर आएगा, थोड़ा सा उधर। अरे भाई साहब पिन पूरा ढुका दीजिए, पूरा परफेक्ट मिलाएंगे। हो गया, थोड़ा सा थोड़ा सा और आ गया। अब इसमें लॉक लगाएंगे, यहाँ पर ये जो खाली टाइम है यहाँ पे लॉक लगेगा। अब थोड़ा सा वीडियो रोकते हैं, लॉक लगा कर दिखाएंगे। अब उधर हमारे मिस्त्री भाई साहब लॉक लगा रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे आपको दिखा दें कहाँ पे लगता है लॉक। वहाँ पे वो देख सकते हैं, वहाँ पे आराम आराम से पेचकस के माध्यम से, पतला वाला पेचकस से लॉक लगा रहे हैं। देख सकते हैं लॉक बैठ गया, थोड़ा सा प्रेस करेंगे बैठ जाएगा, बैठ गया। पिस्टन दबाइए, उधर से भी ठोकिए, सिलेंडर किट पकड़िए आप, इधर से थोड़ा सा ठोकेंगे, बैठा हुआ कि नहीं लॉक, लॉक बैठ चुका है। पिस्टन को दबाइए अब, थोड़ा सा नीचे प्रेस कीजिए आराम आराम से, थोड़ा सा और इधर से साइड साइड से, यहाँ पे दबो, यहाँ पे नहीं बैठ रहा है दोस्त, थोड़ा सा और आराम आराम से प्रेस करना है। सो गाइस अब हम बैठाएंगे, हमारे मिस्त्री साहब से नहीं बैठ पाएगा लग रहा है, बैठ गया एक छिन। अब इसमें चेन डालेंगे, इंजन चेन, टाइमिंग चेन बोलते हैं इसको। निकालो भाई साहब,
ये रहा इसका इंजन चैन। अब इसको थोड़ा सा नीचे दबाओ, आराम आराम से बैठ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठ गया है। थोड़ा सा इसमें गाइड डालेंगे, गाइड डालिए। गाइड कैसे रहेगा ये वाला? थोड़ा सा ये दो डाउट्स इंग्लिश में इसको बोस, हिंदी में बोस लग गया। इसमें ऊपर का पैकिंग लगेगा हेड का, ये रहा पैकिंग। अब इसको भी हम डालने चल रहे हैं। हमारे मिस्त्री भाई हेड का पैकिंग चेक कर रहे हैं कैसा है। साथ श्रीखंड लगा रहे हैं, श्रीखंड लगा कर अब इसमें सिलेंडर किट में सो देख सकते हैं। इसका भी पैकिंग लग रहा है, इसको हम लोग आपसे ऊपर से दिखाएंगे। ये भी लग गया। अब इसमें जो हेड होता है उसमें गाइड फंसा कर डालेंगे, नहीं तो ऊपर से दिक्कत करता है थोड़ा सा। सो देख सकते हैं यहाँ पे गाइड लग रहा है। गाइड ऐसे डाल के वहाँ पे जो पॉल है इसमें नट लगेगा, बोल्टू लगेगा। एक 13 नंबर का पितर वाला वाशर होता है इसमें। यह हो गया, थोड़ा सा आराम से उधर से पॉल मिला कर टाइट हो रहा है। इसको अभी कम से राउंड कसेंगे, बाद में टाइट करेंगे फुल। अब हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे ले आकर डालेंगे। सो देख सकते हैं इसको यहाँ पे रख गया। अब इसमें किंचन डालेंगे। थोड़ा सा उधर क्या चीज़ हो गया है, हो गया एक टाइट हो गया है। अब दूसरा बार टाइट करने जा रहे हैं, ये भी हो गया। मिलाकर थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे दोनों नट का। अभी जो लॉक है थोड़ा सा आराम आराम से ठोकेंगे और बैठा देंगे इसमें लॉक में आराम आराम से। थोड़ा सा चोट दे के बैठाएंगे, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से हो गया। अब इसको थोड़ा सा ये भी हो गया पूरा परफेक्ट। और यहाँ पे पूरा फिनिश हो चुका है, ये भी देख सकते हैं पूरा परफेक्ट है। अब इसके ऊपर अब टाइपिट कवर डालेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे जो केप होता है उसमें सिलिकॉन लगाएंगे, सिलिकॉन लगाकर तब टाइट करेंगे। इसका कवर ले आते हैं केप। इसका केप रहा ये वाला छोटा सा, ये होता है उसमें पूरा अच्छे से क्लिंक हो गया है। और यहाँ पे लगेगा, इसमें थोड़ा सा सिलिकॉन लगाएंगे, नहीं तो लीकेज का चांस रहता है इसमें। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, कम ही लगाएंगे इसमें। ये रहा सिलिकॉन, अब इसमें लग रहा है तब टाइपिट कवर। रहा इसका टाइपिट कवर, दोनों लोकल ठीक ठाक चेक कर लिए हैं। TVS स्टाइगर लग चुका है, अभी केप भी लगाएंगे इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं रहा इसका केप लग चुका है। अब इसका टाइपिट कवर डालेंगे। टाइपिट कवर भी रेडी हो चुका है, अब इसको डालेंगे यहाँ पे। टाइपिट कवर भी हो गया, ये भी काम फिनिक्स। अब थोड़ा सा प्रेस करेंगे आराम आराम से। यहाँ पे बूस्ट जो था ना वो टाइट था थोड़ा सा, पूरा फिनिक्स बैठ गया है। इसमें टाइपिट ठीक है, ये भी टाइपिट ठीक है।
और चार स्टॉट डालेंगे। ये रहा इसका स्टॉट, यहाँ पे पीतल वाला मोबिल पास वही होता है। अच्छा ब्रेक डालेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं इसको थोड़ा थोड़ा मिलाकर चारों टाइट करेंगे। वहाँ पे फंसा रहे हैं, दो स्टोर फंस गया यहाँ पे, इसका मोबिल पास नहीं करेगा। तो स्टोर खोल के चेक करेंगे कहाँ पे समस्या है, इसलिए यहाँ पे पीतल वाशर कंपनी ने दिया था। ये हो गया, अब 12 क्रीम ले आएंगे तब टाइट करेंगे। रहा 12 क्रीम, इसको टाइट करेंगे चारों साथ साथ में मिलाकर। मिला के टाइट करना है चारों एक साथ, एक ही बार टाइट नहीं करना है, चारों को आराम आराम से मिलाकर। सुबह से फुल टाइट हो रहा है चारों स्टॉट, जब ये टाइट हो जाएगा तो जो साइड में नीचे हम लोग छोड़े थे चार दो बोल्टो एक दो नट, उसको भी टाइट करना पड़ेगा। यहाँ पर टाइपिंग चेक करते हैं, टाइपिंग ठीक तो ठीक ही बता रहा है, लेकिन हाँ ठीक है टाइपिंग। चारों स्टॉट फुल टाइट हो गया है, उस साइड भी डालेंगे। जब तक उस साइड भी डालेंगे तब तक ऊपर का भी 8 नंबर, ये रहा 8 नंबर ऊपर का, ये भी डाल लेते हैं। एक यहाँ पे लगेगा और एक दूसरा वाला यहाँ पे, और आगे एक यहाँ पे लगेगा यहाँ पे, इसमें देखना पड़ता है छोटा बड़ा तो सब देख के डालेंगे। यहाँ पे एक लगेगा यहाँ पे और इसको यहाँ पे डालेंगे और इसको यहाँ पे, हो गया देख सकते हैं 8 पट्टी से। अब इसको चारों मिला कर टाइट करेंगे। ये भी टाइट हो गया और ये भी, तब तक हम नीचे का टाइट करते हैं ये वाला, ये टाइट हो गया। ये भी टाइट हो गया और बाकी रह गया ये दोनों 10 का 5 से इसको टाइट करना है। इसको यहाँ पे लगाएंगे नीचे ऐसे टाइट, फुल टाइट। यहाँ पे दोनों फुल टाइट हो गया, नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं। ये वाला भी टाइट हो गया है, ये वाला भी टाइट। अब ऊपर का तो ऊपर का भी टाइट हो रहा है, मिला कर मैं किसी भी बताएंगे। तो देख सकते हैं ये भी नट फुल टाइट हो गया। अब टाइट मिलाएंगे, कार्बोरेटर डालेंगे, साइलेंसर कसेंगे, तब इसका इसको स्टार्ट करेंगे। अभी देख सकते हैं इधर का भी चेक कर दिए फुल टाइट है, अब इसमें कार्बोरेटर डाला जाएगा। ये रहा इसका कार्बोरेटर, हमारे मिस्त्री साहब आ रहे हैं कसने के लिए। तो कार्बोरेटर आइए मिस्त्री भैया जी आइए, देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोरेटर का प्रोसेस जारी है। पहले फिल्टर वाला होस पाइप डालेंगे और यहाँ पे होस पाइप थोड़ा सा आराम से मिला के दबाइए, बैठ गया वहाँ पे। पीछे वाला नहीं बैठ रहा, पीछे वाला क्योंकि नट ही नहीं खुला है इसीलिए नहीं बैठ रहा है।
नट खोलो और आप इसका वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको जो भी अब बैठ जाएगा पूरा प्रॉपर बैठ गया। तो अब यहाँ पे होस पाइप टाइट कीजिए। स्क्रू है देख सकते हैं फुल टाइट हो रहा है, फुल टाइट हो गया। वही फिल्टर और हाउस पाइप इसको मिला मिला कर टाइट करेंगे। अब इसमें डाला जाएगा एसीसी के बाद एक्सीटर तार, एक्सीटर वायर हो गया। ये रहा इसका एक्सीटर वायर जिसमें यहाँ पे फंसाना है, यहाँ पे फंस गया। इसको इधर से मैं थोड़ा सा लूज करके ऊपर फंसा देंगे और इसको आराम आराम से टाइट कर देंगे, हो जाएगा फुल टाइट करो। हो गया एक्सीटर भी फुल काम कर रहा है। ओके है अब दस का पाना से टाई से लेकर उसको आराम आराम से फुल टाइट। ये भी नहीं नट बहुत कमज़ोर होता है, टूटता है बहुत ज़्यादा। ओके है परफेक्ट। अब इसमें होस पाइप डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं होस पाइप में इसमें ओरिंग रहता है, पेपर का नहीं होता है, इसमें ओरिंग देता है। खोलने के वक्त इसमें ओरिंग का ध्यान दीजिए, इसको भी साफा करना पड़ता है। हम लोग भी इसको पूरा ओपन कर दिए हैं, साफ साफा पूरा भीतर अंदर क्लीन है। अब इसमें देख सकते हैं कैसे लगाया जाएगा। लीजिए लगाइए, वहाँ पे लगेगा सिलेंडर में, वहाँ पे बैठ गया। अब इसमें नट लगेगा, बैठ चुका है। अब इसमें बोल्ट लगाएंगे, बहुत छोटा सा ठान दिया स्पेस। लगता है बोल्ट फंस गया है। अब इसमें इसको रूम पन्ना से फंस गया, तब तक टाइट करते हैं, तब तक वीडियो रोक देते हैं। तो देख सकते हैं आपका रूम पन्ना से टाइट कर रहे हैं। टाइट हो गया फुल टाइट मिला के। ओके है। अब इसमें ऊपर एक टाइप फिट चेक करते हैं, टाइप फिट का भी प्रोसेस अभी बाकी है। टाइप फिट ये रहा, ये सिलेंसर वाला हो गया और एक कार्बेटर वाला हो गया। अब हम लोग टाइप फिट मिलाने जा रहे हैं।